वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन जी ब्रेक का पैर पानी वे मामले से गाल कई सियासी पार्टी जो मुख मालूम कई डॉक्टर फहमीदा मिर्जा सा गाल कई ब्रेक का अहम सियासी मामलो उन्होंने गाल कहसी वो है पीडीएम जो एक दफो बेहर फाल थे इनमें सियासी पार्टी जी नव सियासी पार्टी जैमें ब सियासी पार्टी जो हिस्सो ना जैमें अवामी नेशनल पार्टी इन सा गो पीपल्स पार्टी पीडीएम ठाण वाली पार्टी में शामिल है पीपल्स पार्टी पीडीएम जो वजूद आंदो इन वाल से अहम गड़जानी थी गुजरल साल उनमें पीपल्स पार्टी इतफाक किया पीडीएम ठाई वजे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैमें गडियल तौर से अपोजिशन जो सियासी पार्टी गड थी हुकूमत खिलाफ़ तहरीक हलन इन के हवा से मुख्तलिफ मरला थे धरना थे जलसा थे रैलियो थी पर उनमें का कामयाबी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन न माने सकी पर एक शे वाजे थी वही तो इन सारी सूरत हाल में सियासी पार्टियों में इख्तलाफात नजर आया इन दफे एक बो सियासी इख्तलाफ यो भी नजर अची रो है तो पीएमएलएन के अंदर भी बधड़ा सरगर्म थी जैसे का शहबाज शरीफ जबान से रिहा थो उन मरियम नवाज जी नवाज शरीफ धी है वो इन वक्त पीडीएम की सियासत इन सा गुड़ मजमू सियासत का कुछ पासो कर रही है अज के प्रोग्राम में जो टों हिस्सो है वो पीडीएम के हवा से उन हवा से गाल कहसी पीडीएम जो इजलास पीडीएम के इजलास में सियासी पार्टियों अहम फैसला किया हुकूमत खिलाफ तहरीक हलन से भी इतफाक किया इन इजलास में अहम मामलों से गाल थी पीएमएलएन जे यू आई एफ समेत जो नव सियासी पार्टी पीडीएम जो हिस्सो हैं उन्होंने पाँचों इजहार ख्याल भी किया उनका मौकफ है उनते भी इतफाक किया वक्त जी सूरत हाल है पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी के हवा से रस्ता तो तकरीबन बंद नजर अची रहा है इन वाले से भी गाल कहसी नाज बलोच अस मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर अगवान नाज साहब यो बुझाज तो इन वक्त तुम छा समझो तो पीपल्स पार्टी के आनंद के लिए शहबाज शरीफ जो भी नरम किस्म की स्टेटमेंट्स अचन पक ब सियासी पार्टी जो पीडीएम जो हिस्सों हैं उ भी चवन थी पर अक्सरियत जी पार्टी है वो नथ्यू चाहन तो पीपल्स पार्टी वापस अचे तुम समझो हाँ टोटली दर बंद थी पीपल्स पार्टी या पीडीएम में अचण के लिए या तुम समझो था पीडीएम में हिस्सो थियन घुर्जे पीपल्स पार्टी के दिसो पीडीएम जी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रखी आई इन्हें जो मकसद ही हुआ तो अपोजिशन के मुतहद करे हुकूमत जी नाकामी के खिलाफ एक थिए हुकूमत सा जान छड़ाएं पर हाने तुम दिसो तो पीएमएलएन में असके लगे तो दादी इख्तलाफ आपस पान में ही इनमें इख्तलाफ आक पेज से पीएमएलएन ना है उनमें ही तुम दिसो शहबाज शरीफ जो बयानियों मुख्तलिफ हों मरियम साहिबा जो बयानियों मुख्तलिफ थी शहबाज शरीफ तमाम अपोजिशन के मुतहद करण की गाल पी करें पर उतने बे ही पास तुम दिसो तो उन एटीट्यूड टोटली डिफरेंट आ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पान एक इंडिपेंडेंट पोलिटिकल पार्टी आसी को कॉपरेट फर्म न आयू तो असं कें डिक्टेशंस से अमल दरामद क्यों असो पान जो फैसलो हों सेनेट जो इलेक्शंस में जो असो मौकफ हुआ उनते असो राइट हुआ तो असो ऑपोजिशन लीडर अचे यूसुफ रजा गिलानी साहब ए लिए असी जैसे कोशिश कई तो उनते कावड़ थियण बजाय मां समझा थी तो पीएमएलएन के मेन कोर इशू थे अगर पीएमएलएन जो मौकफ इस्तीफे की फरमाइश हुई है इस्तीफा हुकूमत के इस्तीफे से जोर हुआ तो उनते इनके पान पंजी रवैये के बेहतर बनाने की कोशिश कर घुर्जे और अगर रेजिग्नेशन ही उनको मुतालबो हुआ तो हाँ अचे रेजिग्नेशन छो ना दियन पीएमएलएन वाला अच्छा तहां जे ख्याल में नैरेटिव मौकफ केंजो पॉजिटिव है जमहूरी तनाजुर में मरियम जो या शहबाज जो दिसो बिनी आहन पीएमएलएन जा पार्ट्स मेंबर्स आहन कसर करदा उनन जो रहनुमा आहन मैं समझा थी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर आए पार्लियामेंट में उनके खबर आ तो पार्लियामेंट में अपोजिशन के हलायण जे लाए असा के एक बे जी जेका सजेशंस आहन उन ते अमल करण घुर्जे असा के एक बे जी एहतराम जो रवैयो ही खत्म जदे थी विंदो आ ना तदे ऑपोजिशन में डिवीजन अची वी हाँ तुम दिसो ऑपोजिशन में जो डिवीजन है उनकी बुनियाद पीएमएलएन रखी है पीएमएलएन पाँगी बस रेजिग्नेशन के मौकफ से सभी का रेजिग्नेशन वठण के लिए शर्त रखी उन शर्त उनकी जो नुकसान दिनी है पीडीएम की असल बुनियादी मौकफ के बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव हुआ पीडीएम शहबाज शरीफ के बतौर अपोजिशन लीडर जे खतरो आए पीपी का छाकण इशारो मिली रो है तो शायद पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर तस्लीम करण का भी इनकार करे
दिसो ऑपोजिशन लीडर जो आहे हुन जो कम हुंदो आ तमाम ऑपोजिशन के मुतहिद रखण जो आई इश्यूज से पॉलिटिक्स करण जो आई हुकूमत जी जेका सो नाकामी आ हुन के हाईलाइट करण जो पर अगर हुन में खलल थो अचे अगर हुन में बदएतमादी थो अचे अगर हुन में को डिफरेंसेस अचन पिया तॾहिं डेफिनेटली ऑपोजिशन के नुकसान त थींदो आ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कोशिश आहे त जमहूरी अंदाज में जमहूरियत के मजबूत ऐं मुस्तहकम करे ऐं जमहूरियत के नुकसान पहुचाइण खां बचाए जमहूरियत के नुकसान न पहुचे ही असांजी असल कोशिश आ। पानी नाज ब्लॉज साहब तुम कीमती वक्त दिनों इन मामले से ख्याल वंडिया नाजरन से नाजरन हाँ नाज ब्लॉज से गाल बोल कईसी जे यू एफ जो भी थोड़ा मालूम कंदी जमालुद्दीन असा गुड मौजूद हैं जे यू एफ के सीनियर अगवान जमालुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। जमालुद्दीन साहब मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश तो शायद कर रहे हैं कि पी पी वापस आ जाए पी डी एम का हिस्सा बने, समझते हैं कि कितनी हद तक कामयाब हो सकती है पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनने में, या जो सूरत हाल लग रही है उससे तो दोनों तरफा यही लग रहा है कि शायद पीपी वापस नहीं आना चाहती और पीडीएम की मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं कुछ सियासी जमातें उनको लाना नहीं चाहती, क्या कहें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे ख्याल में मौलाना साहब काफ़ी तक कामयाब हुए हैं क्योंकि 2 साल तक मुख्तलिफ पार्टियों पर मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल पार्टियों को 2 साल तक मुतहद रखना ये भी मौलाना साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। मगान के क्या हुकूमत की सारे हथकंडों सारी साजिशों सारी दबाव के बावजूद वो अभी तक इसमें कामयाब रहा है कि पीडीएम को मुतहद रखा है। अभी थोड़ा सा इंतहाबात के हवाले से पीपीपी ने थोड़ा सा इख्तलाफ़ किया लेकिन ये वक्ती है। अभी मेरे ख्याल मौलाना साहब कोशान है और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा कि पीडीएम को मुतहद रखे। इसलिए ज़रूरी है पीडीएम के इतिहाद के पीडीएम में जितने भी पार्टियां मौजूद है वो सारे के सारे मुहिब वतन है, पाकिस्तान के खामी है, पाकिस्तान के बचाने वाले हैं और जो हुकूमती पार्टी है वो तो हुकूमत को पाकिस्तान को बेचने वाले हैं क्योंकि कश्मीर को तो बेच दिया, तो इसी तरह रफ्तार ये पाकिस्तान को भी बेच देगा। तो पाकिस्तान के बेचने पर मसवाई पिटाई और किसी में भी इख्तलाफ नहीं है, सारे इस पर मुताफिक है कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आबाद करना है। आपके ख्याल में जो पीएमएलएन के अंदर 2 ग्रुप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक मरियम साहब का लग रहा है और एक शहबाज शरीफ साहब का, मौलाना साहब का झुकाव किस तरफ होगा? मेरे ख्याल में मौलाना साहब दोनों ही को इकट्ठा रखेंगे इंशाल्लाह ताला, उनको इख्तलाफ न होने देंगे और मुस्लिम नून की इतिहाद में भी इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब कामयाब होंगे, उनको भी मेरे ख्याल में मुताफिक रखेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को पीडीएम का सरबराह बनाया, पीडीएम बनवाई, पीपल्स पार्टी अब साइड पे हो गई, तो मौलाना साहब कोशिश करेंगे अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी को वापस लाने के लिए? बिल्कुल, वो कोशिश भी करें लेकिन उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रास्ता भी छोड़ा था, अंदर आने के रास्ता भी छोड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि खदशात है, वो पीडीएम के खदशा दूर करके वो हमारे भाई है, वो हमारे पास फिर भी आ सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरी जे यू एफ जो भी मेरे वाले से मौकफ मालूम कियोसी अज के प्रोग्राम में असा पानी मामले से इनसा गुड़ पीडीएम वाले मामले से गाल बोल कई इन गुड़ मेज़बान मुदसर के इजाज़त दींदा इंदर हफ्ते बेराज दींदी।